कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित नेशनल टास्क फोर्स की पहली बैठक आज होगी। बैठक में टास्क फोर्स में शामिल सभी सदस्य शामिल होंगे। एनटीएफ कार्यस्थल पर चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिफारिशें करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स को 3 सप्ताह के भीतर अंतिम रिपोर्ट और 2 महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। तो देखिए किन विषयों पर रिपोर्ट देगा टास्क फोर्स, वो भी मैं आपको बता रहे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कैसे सुरक्षा की जाए, ये एक मुद्दा इसमें होगा। इसके साथ ही साथ जो वहाँ पर वार्ड होंगे उनकी सुरक्षा कैसे दी जाए, सीसीटीवी और तमाम जो विजिटर्स हैं उनके मुद्दों पर भी अपनी रिपोर्ट देगा। महिला पुरुष डॉक्टरों नर्सों के लिए अलग अलग विश्राम कक्ष, इसके साथ ऐसी जगहों पर बायोमेट्रिक्स और चेहरे की पहचान होनी चाहिए, वो तमाम सिफारिशें ताकि जिससे डॉक्टर सुरक्षित रह सकें। सीसीटीवी की बात, हर जगह लाइट की उचित व्यवस्था हो, कोई डार्क स्पॉट जैसी जगह ना हो, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक परिवहन की सुविधा, इन तमाम विषयों पर अपनी एक सिफारिश इस टास्क फोर्स को देना है। एक अंतिम रिपोर्ट 3 हफ्ते में पेश करनी होगी।